हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे विदर्भ फूड चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो रेसिपी जो है चिकन अचार की रेसिपी है। तो चलो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने आधा किलो जो है चिकन ले लिया है। तो चिकन को जो है हम इस प्रकार से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। आप हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। तो हमने जो है गैस को ऑन कर दिया है और चिकन का जो पतीला है वो गैस पर रख दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाटर, और वाटर डालने के बाद हम इसको चिकन को जो है अच्छे से थोड़ा सा 70% या 80% कुक होने देंगे। तो हमने इसमें ढक्कन रख दिया है, तब तक हम करते हैं मसालों को रेडी। तो हमने जो है 3 मीडियम साइज के प्याज ले ली है और प्याज को जो है हमने इस प्रकार से अच्छे से प्यूरी जो है बना ली है। तो इसी प्रकार से हमें गरम मसाला भी ले लेना है, और गरम मसाले को जो है तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद हमने गरम मसाले को भी अच्छे से मिक्सी में लगा के बारीक कर लिया है। तो उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन और जीरा, और इसे भी हम थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसका भी जो है हम पेस्ट बना लेते हैं। तो हमने आज मसाले तो बना लिए, मसाले बनने तक हमारा चिकन भी जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हो। तो हमें चिकन को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 70-80% ही चिकन को बॉयल करना है। तो हमारा जो ऑयल था वो भी अच्छे से हमने गैस पर रख के गर्म कर दिया है। तो हमने जो चिकन को जो उबाल के रखा था वो अभी हमको चिकन को जो है कढ़ाई में ऐड करना है। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे कढ़ाई में ऐड कर लेना है ताकि ऑयल जो है हमारे ऊपर आए नहीं। उसके बाद जो है हमें कंटिन्यू चलाते हुए चिकन को आधे घंटे तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, 15 मिनट से आधे घंटे तक। तो हमारा चिकन जो है लगभग अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो हमारे चिकन का कलर वगैरह कितना अच्छा प्यारा सा बदल गया है। तो हम अभी इसको एक प्लेट में जो है निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमने जो है सारा चिकन को प्लेट में जो है निकाल लिया है। तो उसके बाद जो हमारा जो ऑयल है चिकन को फ्राई करने के बाद जो ऑयल हमारा कढ़ाई में बच गया था, तो उसी में हम डालते हैं अभी प्याज की प्यूरी, जो हमने प्याज को मिक्सी में लगा के अच्छे से बारीक कर लिया था। तो वो अभी हमें इसे 10 से 15 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए प्याज का कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि हमारे जो प्याज का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो उसके बाद हमें इसमें डालना है जो हमने अदरक लहसुन और जीरा का जो पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट भी इसमें ऐड कर लेना है, और इसे भी कंटिन्यू चलाते हुए 10 से 15 मिनट इसे भी पका लेना है। और गैस को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, गैस को ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है हम ये भी मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा मसाला जो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हमने जो गरम मसाले की जो पूरी बनाई थी वो अब हमें गरम मसाला भी जो है इसमें ऐड कर लेना है। आपको अगर गरम मसाला ज़्यादा पसंद ना हो तो आप कम यूज करें, जैसे कि मैंने किया है। तो उसके बाद हमें 5 से 10 मिनट तक गरम मसाले को भी ऑयल में जो है अच्छे से प्याज के साथ और अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमें डालना है स्वाद के अनुसार डालना है नमक, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, जो मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिया है, आपने देख सकते हो। उसके बाद जो हमने गरम मसाला बनाया था वो गरम मसाला का जो वाटर जो है वो उसमें ऐड करके डाल देंगे, ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इस प्रकार से हमने मसाले को अच्छे से मिला लिया है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। तो ये चिकन जो है हमने इसमें ऐड कर लेना है इस प्रकार से अच्छे से, और इसे में जो हमने चिकन जो बॉयल करने के लिए जो पानी वाटर जो यूज किया था, तो वही वाटर जो है अब हमें इसमें यूज करना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो कढ़ाई को लगे ना और जले ना। तो उसके बाद जो है हमें मसाले को अच्छे से इस प्रकार से फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे वीडियो अगर पसंद आती हो तो हमारे चैनल विदर्भ फूड को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे चिकन जो है चिकन का जो अचार जो है बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इसका कलर वगैरह टेक्सचर वगैरह काफ़ी अच्छे से आ चुका है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप सभी लोग मेरे विदर्भ फूड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।